तो आज के लेक्चर में हम पाइथन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक ऑफ पाइथन, बेसिक ऑफ लैंग्वेजेस, क्या ज़रूरत है पाइथन की, क्या ज़रूरत है लैंग्वेजेस की। तो आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फॉलोड बाय क्या ज़रूरत है प्रोग्रामिंग की, क्यों हम प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन क्या है और पाइथन को किसने बनाया है, फिर पाइथन में हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, और आज के एरा में मतलब 2020 में हमें पाइथन सीखने की ज़रूरत क्या है, और इसके बाद हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। आज आप देखिए, आपके चारों ओर डिजिटल मशीन्स हैं और उनसे आप कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और ये सारी मशीन डिजिटल मशीन्स हैं। तो डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए और उनको हमारे अकॉर्डिंग वर्क करवाने के लिए हमें किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। आज के टाइम में 800 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं और सबका अपना एक पर्टिकुलर मोटिव है, हर लैंग्वेज को किसी न किसी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हम बात करते हैं सी लैंग्वेज से। तो सी को प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए, और आपको पता है यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, फेडोरा, ये सब सी में डिज़ाइन किए गए हैं। अब सी में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे ईजीनेस के लिए हम वेरिएबल्स को ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर ये ग्लोबल वेरिएबल कोई बाहर का व्यक्ति एक्सेस कर ले तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस और साथ में सी में हमें पॉइंटर्स भी मिले हैं, तो इन पॉइंटर्स को अगर कोई एक्सेस कर लेता है तो वो आपके सिस्टम में मैलिशियस कोड मींस वायरसेस इंसर्ट कर सकता है। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए सी का ही एक्सटेंडेड वर्जन C++ लैंग्वेज डिज़ाइन किया गया। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है और C++ फोकस करता है मेनली डेटा सिक्योरिटी पे, कि आपका डेटा सिक्योर रहना चाहिए। साथ में C++ में आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इजीली मैप कर सकते हैं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कई सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एडोब रीडर, विनैप मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा, जो कि C++ में डिज़ाइन किए गए हैं, और इस लैंग्वेज को मिस्टर बियान स्ट्रोस्ट्रप्स ने डिज़ाइन किया है। नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारे C++ में बने हुए हैं। तो बात करते हैं अब पाइथन की। इसी सीक्वेंस में 90s में पाइथन आया। तो पाइथन एक जनरल पर्पस की लैंग्वेज है और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब पाइथन में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को छोड़ के सारी की सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिन एप्लीकेशंस की आज मार्केट में रिक्वायरमेंट है। पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो इसमें आपको लाइब्रेरी, फंक्शंस, फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं, क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको गेम से रिलेटेड, आपको डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड, आपको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कई सारे पहले से बने बनाए लाइब्रेरी मिलेंगे। पाइथन सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वर्सेटाइल का मतलब मल्टी टैलेंटेड। इसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन बना सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
अब सवाल होता है, हर लैंग्वेज को बनाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई बंदा होता है। तो सवाल उठता है कि किसने पाइथन बनाई? तो पाइथन मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने बनाई, जो कि एक डच साइंटिस्ट हैं। और ये लैंग्वेज क्रिएट हुई नीदरलैंड के सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर पे क्रिएट हुई, और ये मेनली ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड थी। अब पाइथन क्यों क्रिएट हुई, रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कि मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन को एज अ हॉबी 1989 में क्रिएट किया, बट उसके बाद पाइथन बहुत ही वर्ल्ड का पॉलिश्ड एंड पॉपुलर लैंग्वेज बनता गया जैसे जैसे इसके वर्जन्स आते गए। अब बात आती है कि पाइथन को पाइथन ही नाम क्यों दिया गया? पाइथन का नाम जितना कॉम्प्लेक्स है उतनी डरावनी पाइथन नहीं है। तो गीडो वैन रॉसम एक टीवी शो से बहुत इंस्पायर्ड थे। ये 1970s में एक टीवी शो US में बहुत फेमस था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसके बाद गीडो वैन रॉसम ने ये सोचा कि जो मैं लैंग्वेज बना रहा हूँ उसका नाम शॉर्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टीरियस होना चाहिए, और उन्होंने इस सीरियल के नाम मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस में से पाइथन निकाल लिया और इस लैंग्वेज का नाम पड़ा पाइथन। पाइथन के 2.0 वर्जन से लेकर एक पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ जिसको हम PSF बोलते हैं, जो कि करंटली USA के डेलावेयर में एस्टैब्लिश्ड है, सिचुएटेड है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाइथन के ग्रोथ और उसके एनहेंसमेंट के लिए बनाई गई थी, और इनकी वेबसाइट है www.python.org। अब पाइथन में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पाइथन में हम ढेर सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे GUI बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, रेसबेरी पाई, अभी आगे आने वाले स्लाइड में हम चर्चा करेंगे रेसबेरी पाई क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड के साइज बराबर एक कंप्यूटर होता है, इस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, एज वेल एज गेम भी डेवलप कर सकते हैं। तो पाइथन में कई सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जो लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइथन में वो नम पाई है। फिर उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटलिब, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए NLTK, और मॉड्यूलर बायोलॉजी के लिए बाय पाइथन, गेम डेवलपमेंट के लिए पाई गेम, वेब फ्रेमवर्क वेब डिज़ाइन के लिए Django, एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए TK Inter। GUI इन पाइथन क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जो ग्राफिकल हो जिससे आप इंटरैक्ट कर पाएं, जिस नॉट लाइक ब्लैक एंड वाइट विंडो, ठीक है। तो पाइथन का यूज़ हम GUI एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, और इसके लिए जो फेमस लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं PyQt, TK Inter एंड सो मैनी लाइब्रेरीज आर देयर फॉर GUI एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग। फिर इसके बाद वेब एप्लीकेशन भी हम पाइथन में डिज़ाइन कर सकते हैं, jQuery का यूज़ कर सकते हैं, JavaScript का, PHP, HTML, CSS, SAS, Ruby on Rails, along with Python। इसके लिए Django
जेंगो एंड पिरामिड एंड फ्लास्क फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल है। पाइथन एक दुनिया की लीडिंग लैंग्वेज है जिसमें हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस करने के लिए नंपाई एंड पेंडाज आर दी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आज का टाइम मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का है, तो मशीन लर्निंग का मतलब है मेकिंग प्रेडिक्शन विद डेटा, जैसे फेस रिकॉग्निशन, जैसे म्यूजिक रिकमेंडेशन, जैसे मेडिकल डेटा, थंब एक्सप्रेशन, आइज डिटेक्शन, इन सब के लिए पाइथन में SCI किट लर्न टेंसर फ्लो नाम के फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। रेसबेरी पाई, अभी मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, रेसबेरी पाई एक बहुत ही लो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड साइज का कंप्यूटर होता है जिसको आप किसी कंप्यूटर मॉनिटर और टीवी से प्लग इन कर सकते हैं। इसमें आप कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं, माउस भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे कि आपका एक डेस्कटॉप एक कंप्यूटर वर्क करता है, ये रेसबेरी पाई भी उसी मैनर में वर्क कर सकता है। रेसबेरी पाई की मदद से हम होम ऑटोमेशन सिस्टम, रोबोटिक्स, ये सब की कोडिंग कर सकते हैं। तो पाइथन हमें रेसबेरी पाई एप्लीकेशन या मशीन बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गेम डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं पाइथन में। ब्रिज कमांडर, सिविलाइजेशन 4, बैटलफील्ड 2, ईव ऑनलाइन, फ्रीडम फोर्स, ये सारे के सारे गेम्स जो कि पाइथन में